जीवन बीमा की किस्त जमा करवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का गुरुग्राम पुलिस ने पर्दाफाश किया है। ये गिरोह अब तक 100 लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। जीवन बीमा धारकों को चूना लगाने वाले गिरोह को गुरुग्राम पुलिस ने आड़े हाथों लिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 युवतियां भी शामिल हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े ये दोनों आरोपी 3 लड़कियों के साथ मिलकर एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। लोगों को बहला फुसला कर उनसे ठगी किया करते थे। इस काम में इनके साथ 3 लड़कियां भी शामिल हैं। अब तक ये गिरोह 100 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है। आरोपियों ने अपना सेंटर कार में ही खोल रखा था और दिन भर कार को इधर से उधर दौड़ाते रहते थे, ताकि पुलिस को इनकी लोकेशन के बारे में मालूम ना हो सके। हर महीना कह रहे हैं कम से कम 4-5 लोगों को हम टारगेट बनाते थे, उनसे पैसे जमा करा लेते थे। फोन तो ये डेली दिन में बहुत सारे लोगों को फोन करते थे, लेकिन जाल में कुछ लोग फंस जाते थे, कुछ नहीं फंसते थे। तो अगर अमाउंट की बात करें तो करोड़ों में अमाउंट। उनसे बिल्कुल सावधान रहें, इस तरह का रिस्क ना लें। ये सारे धोखेबाज लोग हैं। आप जो इंश्योरेंस कंपनी के पहले के जो साधन हैं, जैसे आप किस्त जमा कराते रहे हैं, उसी हिसाब से जमा कराएं। उनके अकाउंट को इंश्योर करके कि ये इंश्योरेंस उसी कंपनी का अकाउंट है, उसी में पैसे जमा कराएं। इन धोखेबाजों से बचें, नहीं तो ये आपके रकम को हड़प जाएगी। गुरुग्राम पुलिस की माने तो ये गैंग पिछले 2 सालों से सक्रिय था और अब तक कई लोगों से लाखों की ठगी कर चुका है। फिलहाल पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ये भी जानकारी आपको दे रही है कि अभी भी एक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, जिसे जल्द ही पुलिस गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है।